बड़ो शहर है नाहो। मैंने एक बात याद आओ, हमारा पड़ोस में एक नागौर की बेटी ब्याह गई बड़े सिक्कर में, तो भी के सासुर में थोड़ा ना बात में पूछो क्यों कहते बीर ने किया कहीं है बस क्यों बड़ा और तो काम ठीक है थोड़ी पंचायत में ज्यादा करे क्योंकि खड़ा की है कि नागौर जिला की है मगो एक पंचायत रात को जन्म ही नागौर में उठा पंचायत ने कसी तो कौन कसी तो नागौर की लुगाई अगर पंचायत करे तो गुरु निर्माण होते हैं क्योंकि पंचायत को जन्म में ठेल उड़ा है। मैं हमारी बात शुरू करूं के वो ये दुनिया में दो प्रकार का आदमी हुआ है इस चराचर जगत में दो प्रकार का मेहनत हुआ है एक सरकारी कर्मचारी हुआ है दूसरा कोनी हुआ है। अच्छा वह शर्मा जी बात करें तो सरकारी कर्मचारी है ना भाई हाँ बहुत सरकारी कर्मचारी है सरकारी कर्मचारी में 98 गुण हुए केवल दो अवगुण हुए अब गुण तो 98 बता के रहूं सरकारी कर्मचारी का दो अवगुण सुन जो पहलो सरकारी कर्मचारी कदे कोई को कीड़ो बन करे कोई कोई कीड़ो बन करे सरकारी कर्मचारी और दूसरो मतलब इनकी उपज ही बनी हाँ शर्मा जी भाभी जी का देख रहे हैं कोई बात बोली देखो और सरकारी कर्मचारी भी दो तरीका का है अच्छा जो है पार्ट में बांट बिल्कुल जो अरे हमारा सब पर बांट न तुम चाटू तू मिल चाट कोई खास बात बोली देखो सरकारी कर्मचारी भी दो तरीका का है एक मास्टर है दूसरा मास्टर कोनी है मास्टर दुनिया की सबसे खतरनाक कौन मास्टर बेटा है ना बड़ा बहुत मास्टर दुनिया की सबसे खतरनाक कौन सबसे कुजरबी कौन और दुनिया की सबसे खर्चीली कौन है खुद भी मास्टर है खर्चीली कौन कौन देखो साहब सब मास्टर का खर्चीली कौन खर्चीली कौन अब मैं तेरे उदाहरण देशों पर थे भी मान देशों की मास्टर जितना खर्चीला कोई वही को नहीं चार पांच उदाहरण सुन लो एक स्कूल में पांच जना को स्टाफ है बन तनखा मिले बगैर तनखा मिले रे चल खर्चो कर रहा एक रेस्टोरेंट में जाए और खर्चा को ऑर्डर दे अरे छोरा एक की पांच में चाय लिया एक की पांच में चाय लिया पंखो तेज कर रेडियो दे रखे चलो माचिस ले हाथ को अखबार लिया मेज के पोचो लगा और बारह कड़े मोटरसाइकिल को ध्यान रख लिया नहीं हाल तो और सुनो एक रे मास्टर आपका ब्याह के 21 साल बाद में निमून मना बताए माउंट आबू भी आजकल जाएगा का साहब सात और तले और लगे मास्टर 21 साल बाद में निमून मना बताए माउंट आबू बड़े घूमता 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 मार साहब में भूख लग जाए जना मार साहब बड़ा प्रेम से मास्टर ने खाने देखे अरे क्या भाई ये सुने है एक एक समोसो और खा लिया और मास्टर ने डाबा जो तो जो और खा लिया पहले कद खाए वो क्योंकि अति बेगी भूल की जहां बस पैर बढ़ गया था एक समोसो को तो खोई और नहीं तीसरा उदाहरण सुनो साहब एक दर एक मास्टर तो हम का गुड़न जा रहे हो बाजार में दूसरो मास्टर उसको कोई और खटा जाए कि यार एक कंधा को एक दांतों को उठ गो कान से वो दांतों को उठ गो तो नयो कान से डबा जाऊंगा वो मास्टर को तो सड़ो अब तो बदमाश कर सू वो तो एक दांत तो उठता ही नयो कान से ले जाए कि हाँ यार वो आखिरी दांत तो हो काम कर अच्छा और सुनो एक या मास्टर तेज हो या अंपायर की लुगाया ना मास्टर ने पे और भी तेज हुए एक कर एक मास्टर बस में बैठ रवाना हुआ आपका छोरा के साथ बस आधे किलोमीटर जा बस को एक्सीडेंट हो गया जना मास्टर को पड़ोसी यार कह रहे मास्टर ने जी तो जी मास्टर ने जी सुनो हो जी बस में मार साहब गया जी को एक्सीडेंट हो और मास्टर ने जोर जोर से मिलाप करवा लाग गया है अरे वाला मारा छोरा के तो बनागी अरे वाला मारा छोरा के तो बनागी और पड़ोसी परेशान हो ये जी मास्टर जी छोरे छोरे ने याद करया मास्टर जी को तो इतने नाम को लियो मास्टर जी मास्टर ने कहे
अरे बंद तो क्यों जाए तो ही कोई बात को नहीं कहूँ तो 20 लाख को बीमो भी तो देख। अब साहब मास्टर थे, अब एक बात और याद आई मास्टर का खर्चा की। भाभी सुनो एक सिक्के की बात है, एसके हॉस्पिटल में डॉक्टर के एक आदमी आए हो बुहार की हो कि डॉक्टर साहब बहुत परेशानी हो रही है, इनकमिंग बरोबर है आउटगोइंग खराब हो रही है। क्योंकि कब्जी हो रही है क्यों? हाँ। वो उठा दो बोले टेक दी के जा। दूसरे दिन वो आदमी फिर आए गो क्यों कोई इम्प्रूवमेंट को नहीं, वो थोड़ा हाइड्रोजन जियो। तीसरे दिन वो आदमी फिर आए गो के डॉक्टर साहब कोई इम्प्रूवमेंट को नहीं, कोई फायदा को नहीं। अब वो डॉक्टर सोचो ना सड़ो आपने प्रैक्टिस खत्म कर सी, अटल जी अंकल जी सोचो तो सड़ो प्रैक्टिस खत्म कर सी। मैं उठा दुनिया को सबसे बड़ो कब्जी तोड़ो इंजेक्शन ले लगा दियो तो दैट टॉयलेट में वेट 20 मिनट बाद में रिपोर्ट कर। वो आदमी आधे घंटा पहुंचायो आगे लाल हो रही है मुंडा वाल लाल बड़े पसीनो आ रही हो कि डॉक्टर साहब कोई फर्क नहीं पड़ियो। अब वो डॉक्टर परेशान हो कि आप जगह इंजेक्शन सो आती की कब्जी टूट जाए और मिनट साहब तो पड़े वो क्यों भाई जी कई काम करो दे कि जब बोलो मास्टर हूं कि पहले बताता उस को नोट लियो सामने ढाबा बाजार दा रोटी खा रहा हो जरा कब्जी टूट सी। ये हिसाब एक बात और मास्टर का खर्चा की था तो एक एक नाई बुड्ढो हो सारा काम सड़ा दिया खर्चा में ब्याह कर दिया राम रामी कर दो वो कटिंग बनाओ एक हलवाई कटिंग बनवाई हलवाई कटिंग बना 20 रुपया काट दिया नाई हाथ जोड़ दिया कह नहीं भाई जी मैं तो समाज सेवा करूं मैं तो खाई पी हूं मन पिसा कौन जाए जाए। हलवाई खुश हो चले वो दूसरे दिन नाई दुकान खोली ना दुकान के बारे में रसगुल्ला को डब्बो और थैंक यू लिखो कार्ड भी लियो। दूसरे दिन एक माड़ी आयो कटिंग बढ़ाई 20 रुपया दिया और लाइन मना कर दियो माड़ी भी खुश हो चले वो दूसरे दिन नाई दुकान खोली जना एक गुलाब का फूल की माला थैंक यू लिखो कार्ड भी लियो। तीसरे दिन एक मास्टर आयो नावा को बोलियो वो एक मास्टर आयो वो आ कटिंग बनाई 20 को नोट दियो और नाई मना कर दियो मास्टर खुश हो चले वो। तीसरे दिन नाई सुबह दुकान खोली ना नावाड़ा सारा मास्टर कटे हम नहीं कटिंग बना से ये सब एक शमशान की बात है। एक शमशान में 3 खोपड़ियां पड़ी एक कुत्तों का खोपड़ियां चाट रहे 2 खोपड़ियां चार चाट रहे गोरी काट दी तो दूसरा मोला को बंद कर लोग और क्यों कर यार एक बात कौन समझ में आई 2 खोपड़ियां चाट रहे 30 दिन का मुंडल को लगा जब कहीं बात है ये क्यों कौन चाट रहे हो वो यार मास्टर की खोपड़ी चटी चटाई क्या आ रहा है। अब साहब मास्टर तेज मास्टर ने तेज बगर छोरो और भी इंटेलिजेंट एक एक मास्टर का छोरो ब्यावड़ो हो पीके सगाई करवाना आया मास्टर चोरन साइड में लियो फिर छोरा सुन एक बात पूछे 20 गुना बटर जवाब देना है छोरो इंटेलिजेंट हो क्यों ठीक है पापा जी जना सगाई कर बड़ो पूछो साहब का नाम का हो छोरा का नाम राम सिंह हो वो तनर गयो दशरथ सिंह की जमीन कती गए 10 बीघा जमीन ही क्यों 100 बीघा पटेड़ा का ताग हो तो दसी गए लो क्यों एमए पास तदन धरन जो सु खांसी आई सगाई करवाड़ो क्यों कई साहब खांसी होगी नहीं नहीं अडर टीबी हो गया टीबी